नमस्कार, मुजफ्फरपुर सिटी न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मेघना रंजन, आपको हर खबरों से कराऊंगी रूबरू। तो आइए नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। हेडलाइन के प्रायोजक है जीनियस क्लासेस। सावन के अंतिम सोमवार को कांवरियों से पूरा शहर केसरिया रंग में रंगा। उमस भरी गर्मी के कारण जिले के बच्चों में हो रही कई बीमारियां, सदर और केजरीवाल अस्पताल में 200 बच्चे हुए भर्ती। पाकिस्तान के आर्मी चीफ से गले मिलने को लेकर हके हिंदुस्तानी मोर्चा ने नवजोत सिंह सिद्धू का जलाया पुतला। और रेलवे आरएमएस में एक ही काउंटर होने को लेकर लोगों ने किया हंगामा। अब देखेंगे खबरें विस्तार से। सावन माह के अंतिम सोमवार को पूरा शहर केसरिया रंग में रंग गया और बोलबम के जयकारे से गूंज उठा। तकरीबन 20,000 कांवरिया बाबा का जलाभिषेक करेंगे। सावन महीने की अंतिम सोमवारी पर बाबा गरीबनाथ का जलाभिषेक करने कांवरियों का जत्था बाबा नगरी पहुंच गया है। मुजफ्फरपुर पटना NH 77 पर अहले सुबह से ही कांवरिया बाबा नगरी की ओर आने लगे। पूरा NH केसरिया रंग में रंग गया है। कांवरिया जैसे ही शहर पहुंचे, पूरा शहर बोलबम के जय घोष से गूंज उठा। देर शाम तक कांवरियों के आने का सिलसिला जारी रहा। अंतिम सोमवारी को लेकर मंदिर से पूरे कांवरिया पथ तक जिला प्रशासन की पूरी तैयारी की गई थी। पिछले वर्ष की अपेक्षा इस वर्ष अंतिम सोमवारी को भीड़ अधिक थी। अनुमान है कि अंतिम सोमवारी को 20,000 कांवरिया बाबा का जलाभिषेक करेंगे। बाबा के जलाभिषेक के लिए रात 12:30 बजे मंदिर पर का पट खोला जाएगा। इसके बाद कांवरिया और डाक बम अर्घा के माध्यम से जलाभिषेक करेंगे। बदलते मौसम और उमस भरी गर्मी का बच्चों के सेहत पर असर पड़ रहा है। करीब 200 बच्चे को सर्दी बुखार जॉन्डिस से पीड़ित होने पर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बदलते मौसम और उमस भरी गर्मी में बच्चों पे काफी असर पड़ रहा है। बढ़ती गर्मी के कारण बच्चे बीमार होने लगे हैं। बच्चों को बुखार, सर्दी, खांसी और जॉन्डिस जैसी बीमारियां जकड़ने लगी है। रविवार को जिले में बीमार बच्चों की संख्या प्राइवेट और सरकारी दोनों अस्पताल मिलाकर 200 के करीब पहुंच गया है। डॉक्टरों ने सलाह दी है कि बदलते मौसम में बच्चों का खास ख्याल रखें। बच्चों को धूप में घूमने ना दिया जाए, ज्यादा से ज्यादा पानी पिलाएं और खाने में परहेज करें। बुखार लगने पर जल्द ही डॉक्टर को दिखाएं। केजरीवाल अस्पताल शिशु रोग विशेषज्ञ ने बताया कि जितने भी बीमार बच्चे आए हैं, सभी में एक ही जैसे लक्षण पाए गए हैं। सभी बच्चों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मौसम के बदलाव के चलते बारिश का मौसम है, आर्द्रता ह्यूमिडिटी बहुत है, गर्मी बहुत है, उमस है, तो इस मौसम में ज्यादातर वायरल बीमारियां होती है बच्चों को, जिसमें सर्दी, खांसी, बुखार, उल्टी, दस्त, पीलिया, ये सब ज्यादा देखने को मिलता है। ये मौसम के चलते हैं, मौसम में जो बदलाव आ रहा है उसके चलते। तो सर, इससे बचने का कोई तरीका होगा? इससे बचने का तरीका ये है कि ज़्यादा देर तक धूप में ना रहें, साफ पानी का इस्तेमाल करें, ताज़ा भोजन करें, स्वस्थ साफ सफाई का ध्यान रखें, मच्छर मक्खी से बचें, बच्चों को ठीक से सही ढंग से रखें। सर, अभी तक केजरीवाल में कितने बच्चे एडमिट हुए हैं? यहाँ पर तो बच्चों की भर्ती की संख्या लगभग 100 के आसपास होगी, जिसमें और भी बीमारी से पीड़ित है, तो सर्दी खांसी बुखार और विषय है। छोटे बच्चे भी यहाँ बता बच्चे रहते हैं, हमने अपने लिए उनका अलग है, सर्दी खांसी बुखार का अलग है, उनकी बच्चे होती हैं, बच्चों की संख्या कम रही है। सुझाव है कि बच्चों को ठीक से रखें, साफ सुथरा रखें, ताज़ा भोजन दें, बाहर का दुकान का खुले का सामान नहीं खिलावें, पानी उबाल के ठंडा करके पिलाएं, धूप में ज़्यादा देर तक बच्चों को नहीं रखें, बारिश में नहीं भीगने दें, इसी तरह से। बिहार लोक सेवा आयोग 56वीं और 59वीं संयुक्त परीक्षा में जिले के एक शिक्षक के 6 छात्रों ने पास कर जिले का नाम रोशन किया। बिहार लोक सेवा आयोग की 56वीं और 59वीं संयुक्त परीक्षा के टॉपर संजीव कुमार बने। वही जिले में एक ही शिक्षक के 6 छात्रों ने बाजी मारी। दरअसल डॉक्टर शंभू कुमार रजक पिछले कई सालों से छात्रों को BPSC की तैयारी कराते आ रहे हैं। इस बार इनके 6 छात्र BPSC में पास किए, जिसमें BSC, डिप्टी कलेक्टर, उत्पाद अधीक्षक, प्लानिंग सब ऑफिसर, सब रजिस्ट्रार और जेल अधीक्षक बने। डॉक्टर शंभू कुमार रजक खुद पिछले BPSC में पास कर चुके हैं और वो असिस्टेंट डायरेक्टर हैं। छात्रों को सिर्फ रविवार को पढ़ाते हैं। यह मेरे लिए गर्व की बात है कि मेरे द्वारा गाइड किए बच्चे सफल भी हो रहे हैं। ईश्वर की असीम कृपा है और आप जैसे लोग की शुभकामना है इसके पीछे।
अभी चूँकि समय अभाव रहता है, इसीलिए बड़ी मुश्किल से मैं छुट्टी के दिनों में जो बेरोज़गार बच्चे हैं मेरे पास आते हैं और मैं उनके लिए थोड़ा बहुत समय निकाल पाता हूँ। पिछली बार भी UPSC का जब रिज़ल्ट आया था तो उसमें हमारे यहाँ से कुछ बच्चों का सिलेक्शन हुआ था, मेरा भी सिलेक्शन हुआ था, मेरे लिए खुशी की बात है। और इस बार भी हमारे यहाँ से मेरे कुछ स्टूडेंट के साथ साथ मेरी बेटी का भी सिलेक्शन हुआ है। टोटल कितने स्टूडेंट है सर इस बार? टोटल 5 स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ जी, जिसमें एक मेरी बेटी भी है। क्या परिचय हुआ सर आपका? मेरा नाम शंभु कुमार रजक है और मैं एक छोटा सा पदाधिकारी हूँ बिहार सरकार का। पहले मैं BPSC से ही शिक्षक के रूप में मीनापुर ब्लॉक में काम करता था, अभी मैं पटना सचिवालय में पोस्ट हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी हो रही है। कितनी मेहनत करनी पड़ी थी आपको? मेहनत पूरे लगन के साथ तो पढ़ाई करनी पड़ी थी। किसका सपोर्ट मिला था आपको? मुझे सारे परिवार वाले सभी लोगों का सपोर्ट मिला, मम्मी पापा भाई भैया भाभी सब लोगों का, भाई बहन सबका। मोतीपुर थाना के रतनपुर पेट्रोल पंप के पास सड़क पार कर रहे एक व्यक्ति को बोलेरो ने ठोकर मार दी। मौके पर ही व्यक्ति की मौत हो गई। स्थानीय लोगों ने सड़क को जाम कर घंटों प्रदर्शन किया। मोतीपुर थाना के रतनपुरा पेट्रोल पंप के पास सड़क पार करते समय शनिवार की रात 55 वर्षीय बिजली पासवान को अनियंत्रित बोलेरो ने ठोकर मार दी। इससे मौके पर ही बिजली पासवान की मौत हो गई। इस घटना से आक्रोशित लोगों ने शव को NH-28 पर रखकर 2 घंटे सड़क जाम रखा। इस दौरान मौके पर उच्च अधिकारियों के आने की मांग करते रहे। बाद में मौके पर BDO और CO ने मौके पर पहुंचकर आक्रोशितों को शांत कराया और जाम खुलवाया। बताया जाता है कि बिजली पासवान सड़क पार कर रहा था, तभी मोतिहारी की तरफ से आ रही तेज रफ्तार बोलेरो ने ठोकर मार दी। ठोकर से मौके पर ही उसकी मौत हो गई। इसकी सूचना मिलते ही स्थानीय लोगों ने सड़क घटनास्थल पर जाम कर दिया और मृतक के परिजनों को मुआवजा देने की मांग करते रहे। अधेर व्यक्ति को बेहोशी की हालत में सदर अस्पताल में छोड़कर परिजन फरार हो गए। फर्श पर पड़े व्यक्ति को देखने के लिए अस्पताल में भीड़ जमा हो गई। गार्ड को सूचना मिलते ही उसे इलाज के लिए भर्ती कराया गया। अधेर व्यक्ति को बेहोशी की हालत में सदर अस्पताल में फेंक कर परिजन फरार हो गए। लावारिस स्थिति में अस्पताल के फर्श पर पड़ा व्यक्ति को देखने के लिए मरीजों की भीड़ लग गई। मरीजों ने लावारिस फर्श पर पड़े व्यक्ति की जानकारी अस्पताल के गार्ड को दी। गार्ड ने बेहोश पड़े व्यक्ति को उठाकर इलाज को भर्ती कराया। बताया जा रहा है कि रविवार को ऑटो पर सवार आधा दर्जन लोगों ने बेहोशी की हालत में एक व्यक्ति को लाया और उसे फर्श पर रखकर पुर्जा कटवाने की बात करने लगे। पुर्जा कटवाने गए सभी लोग बेहोश व्यक्ति को छोड़कर फरार हो गए। हालांकि अब तक व्यक्ति की पहचान नहीं की जा सकी है। उसके बाद भाग गया। गाड़ी वाड़ी का नंबर आप लोग देखी? कितने आदमी से थे? कितना देर पहले घटना? 10-15 मिनट पहले। सीधा ऑटो से नीचे फेंका और भाग गया। पार्टी को बूथ स्तर तक मजबूत करने के लिए महानगर जदयू सेक्टर 2 की छाता चौक स्थित एक होटल में बैठक हुई। महानगर जदयू सेक्टर 2 की रविवार को छाता चौक स्थित होटल के बैठक हुई। इसमें पार्टी को बूथ स्तर तक मजबूत करने की रणनीति बनाई गई। इसकी अगुवाई करते हुए सेक्टर 2 के जिलाध्यक्ष निर्मल कुमार सहयोगी ने बताया कि पार्टी लोकसभा चुनाव की तैयारी में लग गई है। पार्टी को मजबूत बनाने के लिए बूथ स्तर पर कमेटी बनाई जाएगी और इसके कार्य की समीक्षा की जाएगी। साथ ही बूथ अध्यक्षों की साथ पटना में बैठक होगी। आज की बैठक बूथ वाइज समीक्षा हो रही है। हम लोगों को प्रत्येक बूथ पर BLA को तैयार करना है। इसमें हमारे सेक्टर के 11 वार्ड के सदस्य अध्यक्ष लोग आए हुए हैं। उन लोगों को दायित्व दी जा रही है कि जितने भी अपने वार्ड में जितने भी बूथ हैं वो सारे बूथ पर 5-5 व्यक्ति का BLA तैयार करना है, जो सब लोग जदयू के कार्यकर्ता सक्रिय कार्यकर्ता होंगे और सब लोग जदयू का कार्य को, चूँकि चुनाव भी नज़दीक आ रहा है, अपने पार्टी संगठन को मजबूत करने के लिए यह आज का बैठक किया गया है। इस बैठक का अध्यक्ष हमारे नरेंद्र पटेल और हमारे महानगर अध्यक्ष अमरीश भैया के नेतृत्व में हम लोग इसको संपन्न कर रहे हैं।
राम भजन साह मार्केट में अंतिम सोमवारी को कांवरिया शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें भजन संध्या का आयोजन किया गया। सावन की अंतिम सोमवारी पर कांवरियों की सेवा के लिए गोला स्थित राम भजन साह मार्केट में कांवरिया शिविर का आयोजन किया गया। कांवरिया शिविर में कांवरियों के लिए निःशुल्क भोजन के साथ सारी सुविधाओं को उपलब्ध कराया गया। कांवरियों के लिए भजन संध्या का भी आयोजन किया गया। होता है, बृहद रूप से उद्घाटन होता है और शहर के गणमान ही नहीं बाबा हरिनाथ के भक्त लोग भी आते हैं, उसका स्वागत करते हैं। इस रास्ते श्री राम भजन कांवरिया सेवा शिविर के माध्यम से होता है और इसके जितने पदाधिकारी हैं और उसके संरक्षक हैं उनको मैं धन्यवाद देता हूँ, खासकर केदार जी को जिसको अपने जगह चलाते हैं। शिविर बाबा गरीबनाथ जी की कृपा प्रेरणा से उनके शिव भक्त कांवरिया भक्तों की सेवा के लिए संचालित है और इस शिविर का एकमात्र संकल्प है सेवा। और हम सभी यहाँ जितने पदाधिकारी और कार्यकर्ता हैं, हम सभी राम भजन कांवरिया सेवा शिविर में निस्वार्थ निःशुल्क कांवरियों की सेवा करते हैं और इस सेवा में हमारे सैकड़ों सदस्य जो हमारे मंच पर विराजमान हैं उनका योगदान रहता है और हम लोग पूरे तन मन धन से निष्ठापूर्वक कांवरियों की सेवा करते हैं। मेरा विश्वास है कि कांवरिया यहाँ की सेवा से इतने संतुष्ट हैं कि प्रत्येक साल और प्रत्येक शनिवार रविवार को लोग यहाँ आते हैं और उनको भोजन विश्राम और सेवा का हम लोग का सौभाग्य मिलता है और यह कार्यक्रम हम लोग बाबा की कृपा से अनवरत करते आ रहे हैं, आगे भी करते रहेंगे। बाबा गरीबनाथ की कृपा रहनी चाहिए, शिव भक्तों की सेवा में हम लोग समर्पित है। यार रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप कई बार जाइए, देखते रहिए मुजफ्फरपुर सिटी न्यूज। के स्मार्ट सिटी शहर में खुल गया है बिहार का पहला सभी रेंज के साथ ब्लू स्टार एक्सक्लूसिव स्मार्ट शोरूम। यहां सभी प्रकार के एयर कंडीशनर, वाटर कूलर, चेस्ट फ्रीजर, वाटर प्यूरिफायर, एयर फ्रीजर, एयर कूलर के अलावा कई और रेंज उपलब्ध है। इस शोरूम में एक और खास बात है, यहां कस्टमर के सभी चीजों का ख्याल रखने के साथ साथ बजाज फाइनेंस की सुविधा है, वो भी 0% इंटरेस्ट के साथ। तो एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारें। हमारा पता है UA Enterprises, अगोरिया बाजार, आम गोला रोड, नियर सिटी कार्ट मॉल, मुजफ्फरपुर। ईमेल आईडी u.a.enterprises.muz@gmail.com। आर कॉन्टेक्ट नंबर R9334900888 9234900888 9973246300। स्मार्ट सिटी में स्मार्ट प्रोडक्ट के साथ कंप्लीट रेंज के साथ उतरे हैं, प्रोडक्ट तो काफी अच्छे हैं ही, एक बार सिर्फ हमारे आने की जरूरत है आपको और बस आइए और देखिए। मुजफ्फरपुर की शान और अपने कलाकृतियों से बॉलीवुड के स्टारों में अपनी पहचान बना चुका बाबा की दुकान लहठी भंडार पिछले 50 वर्षों से आपके पसंद का ख्याल रखती है। यहां से लाह की बहुरानी सेट बॉलीवुड की स्टार ऐश्वर्या राय ने अपनी शादी में पहनी थी, यहां से राजनीतिक गलियारों के नामचीन चेहरों की दुल्हन भी सजी थी। हमारे यहां शादी सेट, बहुरानी सेट, जयमाला सेट, लाह के फैंसी आइटम कुशल कारीगरों द्वारा निर्मित कराई जाती है। इसके अलावा चूरा सेट, कंप्यूटर चूरा, कुंदन चूरा, वाटर प्रूफ चूरा, चुंदरी तीन बुंदिया, बंग बंगरी, हिंगलू पाथ चूरा, जंगली चूरा का भी निर्माण अपने कारीगरों द्वारा कराती है। यही नहीं, लाह से बनी कान का टॉप्स, रिंग, नथ, गला का हार, मांग टीका, पेन, पेन स्टैंड, हाथी, बिछिया, ग्लास, करा भी बनाती है। तो एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारे, बाबा की दुकान लहठी भंडार, इस्लामपुर, मुजफ्फरपुर। हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 9308620444। 40-50 साल से जो हमारी दुकान है ये बाबा की दुकान लहठी भंडार, समझे ना, पुश्तैनी हम लोग का काम ही है। और हमारे यहाँ जो है जितने भी है, जैसे कि
ऐश्वर्या राय के यहाँ लैठी गया, हमारा सचिन के यहाँ गया है, और आपके जो है तेज प्रताप सिंह, अभी लालू प्रसाद के लड़के की शादी हुई है उसमें भी लैठी भेजा गया था, और हमारे यहाँ जो है ना बहुरानी सेठ है, जैसे कि है कुंदन सेठ है, और जैसे कि हम लोग जो डिज़ाइन जो है सेलेक्ट करते हैं जो लगन के ऊपर, लगन के ऊपर जो है जैसे कि कस्टमर का च्वाइस देखते हैं हम लोग, हैं उसी टाइप से हम लोग जो है माल तैयार करते हैं, और कलर है मैचिंग। हमारे यहाँ सबसे विशेषता है कि हर तरह के लहंगे का जो है ना मैचिंग तुरंत हैंड टू हैंड हम लोग लगा के दे देते हैं। हम पढ़ाते नहीं, हम बच्चों में विश्वास जगाते हैं। क्राइस्ट ज्योति इंटरनेशनल स्कूल बेस्ड ऑन CBSE करिकुलम विद को एजुकेशन। इस स्कूल में प्रत्येक विषयों के लिए अनुभवी शिक्षकों का समूह है। विद्यार्थियों को अलग से ट्यूशन पढ़ने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। बच्चों को प्रत्येक विषयों के लिए अलग से अतिरिक्त कक्षाएं दी जाती हैं। साइंस और कंप्यूटर लैब की व्यवस्था के साथ उत्तम खेल कूद के लिए बड़ा सा कैंपस भी है। नर्सरी के बच्चों को खेल कूद की विधि से पढ़ाई जाती है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड पर आधारित पाठ्यक्रम से कक्षा प्ले हाउस व नर्सरी से अष्टम वर्ग तक सत्र 2017 व 2018 के लिए नामांकन प्रारंभ है। तो नामांकन के लिए तुरंत संपर्क करें। हमारा पता है क्राइस्ट ज्योति इंटरनेशनल स्कूल, धर्मोदय स्थली, माधोपुर सुस्ता, मुजफ्फरपुर। आर कॉन्टेक्ट नंबर्स आर 7463884603, 9006877392, 8539857777। बातें तो लोग भूल जाते हैं पर यादें हमेशा याद रह जाती हैं। इन्हीं यादों को आप अपने साथ रखना चाहते हैं तो आपके साथ खड़ा है टैटू इन एंड प्रिंटिंग। बर्थडे, मदर्स डे, फैमिली फंक्शन, मैरिज, गिफ्ट्स फॉर रिलेटिव्स, वैलेंटाइंस डे, फादर्स डे और एनी पार्टीज, या फिर इसके अलावा यहाँ टी शर्ट प्रिंटिंग, मोबाइल बैक कवर 2D और 3D, फोटो फ्रेम, वॉल क्लॉक, की रिंग स्टूडियो 3D, कैप प्रिंटिंग, स्कूल बैग प्रिंटिंग, लंच बॉक्स एंड टाइल्स प्रिंटिंग के साथ साथ परमानेंट टैटू और टेम्पररी टैटू, वो भी किसी भी प्रकार के, यहाँ बनाए जाते हैं। इतना ही नहीं, गिटार्स, वॉल प्रिंटिंग इन ऑल डिजाइन, प्रिंटिंग ऑन एनी मटेरियल लाइक टी शर्ट, की रिंग, टाइल्स, मग प्रिंटिंग एंड ऑल वेरियस अदर मटेरियल्स। तो एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारे। टैटू इन एंड प्रिंटिंग, महिला थाना, नाका नंबर 4, पुरानी बाजार, मुजफ्फरपुर। आर कॉन्टेक्ट नंबर इज 9546355553। हम सिर्फ तस्वीर नहीं बनाते हैं, उन्हें संजोते हैं। आप उन्हें चाहे तो टी शर्ट, टैटू, मोबाइल बैक कवर, मग, वॉल क्लॉक्स, वुडन फोटो फ्रेम, किसी भी चीज पे प्रिंट कर सकते हैं। क्लियर योर कॉन्सेप्ट एंड अचीव योर ड्रीम्स एट जीनियस क्लासेस। IIT एवं मेडिकल में प्रवेश परीक्षा की तैयारी के लिए उभरता कोचिंग संस्थान। हमारे यहाँ देश के प्रमुख शिक्षण संस्थान से अनुभव प्राप्त शिक्षकों द्वारा प्रवेश परीक्षा की तैयारी करवाई जाती है। शहर के बीचों बीच स्थित जीनियस क्लासेस में भव्य पार्किंग, पूर्ण वातानुकूलित शानदार क्लासरूम के साथ बच्चों को अनुशासित रखा जाता है। प्रीति रानी, बीटेक IIT रुड़की द्वारा संचालित इस संस्थान में परिणाम निर्माण हेतु सदैव प्रयासरत शिक्षण संस्थान है। सो हु वांट्स टू बी द नेक्स्ट जीनियस, कॉल अस 7635091378 7635091387 7635091396। जीनियस नाम ही पहचान है। शिक्षा के क्षेत्र में अपना एक स्थान बनाने में सफल आवासीय भारती इंटरनेशनल स्कूल बच्चों को नर्सरी से लेकर प्लस टू तक की बेहतर शिक्षा देने को लगातार प्रयासरत है। CBSE पाठ्यक्रम पर आधारित यह स्कूल पढ़ाई के साथ साथ खेलकूद और व्यक्तित्व विकास पर विशेष ध्यान दे रही है। हमारी मुख्य विशेषताएं हैं छात्राओं के लिए हॉस्टल की व्यवस्था, अनुभवी एवं प्रशिक्षित शिक्षकों द्वारा बच्चों की देखभाल, स्पोर्ट्स और आत्मरक्षा की भी तैयारी दी जाती है। प्रत्येक कक्षा में स्मार्ट क्लास द्वारा शिक्षण की सुविधा, सुसज्जित पुस्तकालय की व्यवस्था, कक्षा 1 से कक्षा 10 तक कंप्यूटर की मुफ्त शिक्षा, सुसज्जित विज्ञान प्रयोगशाला छात्र एवं छात्राओं के लिए संगीत तथा नृत्य की शिक्षा की अलग अलग व्यवस्था है, अंग्रेजी बोलने की कला की शिक्षा, CCTV कैमरे से सुसज्जित विद्यालय,
तो हमारा पता याद रखें। हमारा पता है आवासीय भारती इंटरनेशनल स्कूल, मेन रोड NH 57, अहियापुर, मुजफ्फरपुर। और हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 7970919864, या फिर हम आप डायल कर सकते हैं 9931273960, या फिर आप हमें कॉल कर सकते हैं 9525587370 पर। रजिस्ट्रेशन एंड एडमिशन इज गोइंग ऑन फ्रॉम नर्सरी टू नाइन्थ फॉर द सेशन 2018-2019। क्लास 11th का रजिस्ट्रेशन 1 जून से प्रारंभ होगा और वर्ग में सीटें सीमित है। 10th बोर्ड में 60% और उससे अधिक अंक वाले छात्र छात्राओं को नामांकन में प्राथमिकता दी जाएगी। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का मुजफ्फरपुर सिटी न्यूज में एक बार फिर से स्वागत है। रेलवे के आरएमएस में एक ही काउंटर होने की वजह से लोगों ने जमकर हंगामा कर रेलवे प्रशासन के विरोध प्रदर्शन किया। रेलवे के आरएमएस में काउंटर में अधिक भीड़ होने से परेशान स्थानीय लोगों ने जमकर हंगामा किया। दरअसल राखी भेजने को लेकर अत्यधिक भीड़ हो गई थी और आरएमएस में एक ही काउंटर खुला था। इसी को देखते हुए लोग आक्रोशित हो गए और एक और काउंटर खोलने की मांग को लेकर प्रदर्शन भी किया। लोगों ने बताया कि इतनी गर्मी में हम लोग सुबह से कतार में खड़े हैं, सिस्टम के नाम पर पूरा सिस्टम ही फेल है। रजिस्ट्री करने आया है, राखी भेजना है दिल्ली। अच्छा, क्या परेशानी हो रही है? परेशानी तो कल से लाइन देख के भाग जाते हैं, इतना ना लाइन लगा हुआ था पूरा, आज 3 घंटा से लाइन में लगे हुए हैं पूरा धूप में। अच्छा, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मुकेश कुमार। कितने देर से लाइन में लगे हैं? 3 घंटा से लाइन में लगे हुए हैं, लेकिन अभी तक आपका नंबर नहीं आया है। विभाग को व्यवस्था करना चाहिए अलग काउंटर का, वो भी नहीं हो रहा है। तो सारा सिस्टम फेल है, पूरा सिस्टम फेल है। परेशानी हो रही है कि लंबा लाइन है और बहुत स्लो काम हो रहा है और सीनियर सिटीजन की भी कोई व्यवस्था नहीं है। मैंने आग्रह किया सीनियर को कि वो ऑफिस के स्टाफ बोले कि सीनियर से जाकर भेंट कीजिए, वो कहे कि हमारे यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है। कब से आप लाइन में लगे हुए हैं? करीब करीब हम अनेक साल। कहाँ राखी भेज रहे थे आप? कहाँ राखी भेज रहे थे आप? राखी कहाँ भेज रहे थे? राखी में हमारा सामान है, कुछ सामान भेज रहे हैं। राखी के लिए कितना ज़्यादा परेशानी हो रही है, हर जगह बुकिंग का परेशानी, बहुत ज़्यादा भीड़ है। यहाँ भी परेशानी बहुत ज़्यादा चल रही है, संडे को इतना ज़्यादा भीड़ लगी हुई है, तो क्या कर सकते। तो आप सिंगल काम करते हैं? हाँ, यहाँ सिंगल काउंटर लगे हुए, सिंगल काम। कांग्रेस नेता सह पूर्व क्रिकेटर नवजोत सिंह सिद्धू का पाकिस्तानी आर्मी चीफ से गले मिलना तुल पकड़ने लगा है। हके हिंदुस्तानी मोर्चा ने शहीद स्मारक के पास सिद्धू का पुतला फूंका और सर कलम करने पर 11 लाख का इनाम रखा। कांग्रेस नेता सह पूर्व क्रिकेटर नवजोत सिंह सिद्धू को पाकिस्तानी पीएम इमरान खान के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होना महंगा पड़ गया। पूरे देश में सामाजिक संगठनों फेसबुक और ट्विटर पर सिद्धू का विरोध किया जा रहा है। साथ ही पाकिस्तान आर्मी चीफ जनरल कुमार जावेद बाजवा से गले मिलने को देश से गद्दारी कही जा रही है। रविवार को शहर के कमली बाग स्थित शहीद खुदीराम बोस स्मारक के पास हके हिंदुस्तान मोर्चा ने नवजोत सिंह सिद्धू का पुतला फूंका। इस दौरान मोर्चा के सदस्यों ने जमकर नारेबाजी की। मोर्चा के संयोजक तमन्ना हाशमी ने बताया कि पाकिस्तानी आर्मी चीफ से गले मिलना देश को शर्मसार करने वाली घटना है। इस घटना से देश के लोगों को चोट पहुंची है। जो भी शख्स नवजोत सिंह सिद्धू का सर कलम करके लाएगा उसे मोर्चा की तरफ से 11 लाख रुपए दी जाएगी। ये सबसे पहले हम लोग यहाँ पे इसलिए आए हैं कि हमारे देश का ही नेता, हमारे देश का ही लोग गद्दार नवजोत सिंह सिद्धू जो जाके पाकिस्तान में पाकिस्तान के जनरल से गले मिलते हैं, पूरा देश की इस हरकतों से शर्मसार हुआ है। नवजोत सिंह जैसे देशद्रोही को तो फांसी पर चलाना चाहिए। हके हिंदुस्तान मोर्चा ने इसीलिए आज नवजोत सिंह सिद्धू का यहाँ पे पुतला दहन किया है और हके हिंदुस्तान मोर्चा ऐलान करती है कि जो इंसान नवजोत सिंह सिद्धू का सर काट के लाके देगा उसे 11 लाख रुपए का नगद इनाम दिया जाएगा। वर्ल्ड फोटोग्राफी डे पर होने वाले फोटो मेला को मुजफ्फरपुर फोटोग्राफी क्लब ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के निधन पर शोकाकुल होकर स्थगित कर दिया। वर्ल्ड फोटोग्राफी डे पर होने वाले फोटो मेला 2018 को मुजफ्फरपुर फोटो क्लब ने स्थगित कर दिया है। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के निधन से शोकाकुल होकर क्लब ने कार्यक्रम स्थगित किया है। इसके बदले रविवार को वर्ल्ड फोटोग्राफी डे के अवसर पर पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की आत्मा की शांति के लिए श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया।
इस अवसर पर पूर्व प्रधानमंत्री के तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी गई। साथ ही उनके आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट का मौन भी रखा गया। संस्था के कोषाध्यक्ष पंकज पटवारी, संरक्षक राजेंद्र प्रसाद और देवाशीष दास ने दिवंगत अटल बिहारी वाजपेयी के जीवन से प्रेरणा लेने की बात कही। मुजफ्फरपुर फोटोग्राफी क्लब की ओर से विश्व छाया दिवस के अवसर पर सब कार्यक्रमों को रद्द करते हुए हम सदस्य और दिवंगत नेता हमारे प्रिय श्री अटल बिहारी वाजपेयी के दिवंगत आत्मा के शांति के लिए कुछ हम लोग पुष्प देकर उनको श्रद्धांजलि अर्पित किए और उनके आत्मा की शांति की कामना की। जीआरपी पुलिस ने सघन जांच के दौरान अवध असम एक्सप्रेस से 5 युवकों को बेहोशी की हालत में बरामद किया। 5 युवक नशा खुरानी के शिकार थे। सभी को सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। जीआरपी की पुलिस ने रविवार की सुबह अवध असम से 5 युवक को बेहोशी की हालत में बरामद किया। दरअसल जीआरपी पुलिस ट्रेन में सर्च के दौरान 5 युवक को बेहोशी की हालत में अवध असम से बरामद किया। 5 युवक दिल्ली से अपने घर जा रहे थे। गोरखपुर के पास किसी ने उन लोगों को पानी में डालकर पिला दिया और वो लोग जब बेहोश हो गए थे तो उन लोगों का 10,000 कैश सहित अन्य सामान के साथ फोन व कपड़ा था। उसमें से एक युवक ने बताया कि उनकी बहन की शादी थी, उस शादी में वो दिल्ली से आ रहे थे और रास्ते में ऐसी घटना घट गई। पिलाया उसके बाद बस और क्या है। कितने लोग थे? बस क्या नाम है? कहाँ कमाने गए थे? कहाँ से? दिल्ली से। कितना क्या पैसा मिला था? क्या किस्त कितने महीने का पैसा देते थे? हमारे पास था 4-5 हज़ार रुपया, जो सबका पैसा गया था। 4 मोबाइल गए। महंगा मोबाइल था? पहला सोनी का था, उसका दूसरा कंपनी का था, उसका कैसे हुआ ये? कैसे घटना घटी? कैसे भाई जब नींद पड़ जाएगा तो कैसे हुआ कैसे हुआ तो पता नहीं चले। उठा तो देख रहा, पूछ भी नहीं। मतलब चारों आदमी एक ही तरह सो गए। हाँ, दिल्ली की अवध असम डाउन ट्रेन से यश2 बोगी में कुछ यात्री हैं जो अचेता अवस्था में है। उस सूचना के आधार पर जो हम लोग उस पदाधिकारी को भेजा गया, उसमें से 4 लोग जो है मोतिहारी जिला के रहने वाले, उनको उतारा गया। उनको जाना है, अभी अचेतावस्था में उनका इलाज चल रहा है। बताया कि वो जो है गोरखपुर में पानी उन्हें पीने थे, पानी पीने के बाद से उनकी तबीयत बिगड़ी है। क्या क्या नाम है सर? कहाँ से आ रहे थे ये लोग? सबका ये जो है मोहम्मद लुकमान है, मोहम्मद तबरेज है, मोहम्मद इमरान है, मोहम्मद मान आलम है। ये लोग है, बता रहे हैं कि इनके कहाँ से आ रहे थे सर? ये लोग दिल्ली से आ रहे हैं। घर कहाँ है इन लोग का? ये लोग जाएगा मोतिहारी डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले हैं। गार्जियन को सूचना दे दी गई है, वो लोग आ रहे हैं। तो फिर विशेष में करजा थाना क्षेत्र के डीह पकोही गांव में जमीनी विवाद को लेकर 2 पट्टीदारों में मारपीट हुई, जिसमें कई लोग घायल हो गए, जिसे सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। करजा थाना के डीह पकोही गांव में शनिवार को भूमि विवाद में 2 परिवारों में जमकर मारपीट हो गई। इसमें लक्ष्मण राम और उसके परिवार के कई लोग जख्मी हो गए। सभी लोगों को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। इलाजरत लक्ष्मण राम ने बताया कि पाटीदार से भूमि विवाद के लिए विवाद चल रहा है। शनिवार को पाटीदार ने कहा सुनी हो गई थी, इसके बाद पाटीदारों ने लोहे के रॉड, डंडा और धारदार हथियार से हमला कर दिया। इस घटना में लक्ष्मण राम और उसके परिवार के लोग जख्मी हो गए। घायलों के सिर पर काफी चोटें लगी हुई है। पूरी घटना क्या है, हमारा बाबा दादा बांट के दे दिया था जमीन 40 साल पहले, सारा कागजात भी बन गया। लोग उसी बांटने के बाद भी हमारे हिसाब से लोग कैसा लोग चढ़ाई कर रहा है बांटने के लिए, वो मेरे हिसाब से और सब आदमी मिल के मारा। कौन कौन लोग थे? पहला था मुन्ना राय है और लाल बाबू राय है, सुरेश राय है, राजकिशोर राय है, वशिष्ठ राय है और उसका घर का जितना औरत बाल बच्चा सब मिलकर उनको मारा। कब की घटना है? ये घटना कल सुबह का है। कितने लोग घायल हुए हैं इस घटना में? इस घटना में हमको ज़्यादा डैमेज है, हमारा माथा फट गया है, काका माथा में साथी पड़ा हुआ है, उसके बाद हमारे बच्ची को पैर फ्रैक्चर किया है, पापा को हाथ पड़े हुआ है, माँ को मारी हुई है अंदर बहुत मार। प्रधान डाकघर में राष्ट्रीय डाक कर्मचारी संघ का राष्ट्रीय अधिवेशन का आयोजन किया गया। उत्तर बिहार के डाक कर्मचारी शामिल हुए। राष्ट्रीय डाक कर्मचारी संघ संवर्ग ग की रविवार को कंपनी बाग स्थित प्रधान डाकघर में वार्षिक अधिवेशन हुई।
इसमें मुजफ्फरपुर के अलावा दूसरे जिले के डाक कर्मियों ने भाग लिया। वहीं पूरे वर्ष के कार्यों की समीक्षा की गई, साथ ही संघ के आगे के कार्यों की रणनीति बनाई गई। इस अधिवेशन में डाक कर्मियों ने अपनी दिक्कतों को रखा और उसके निराकरण के लिए संघ के नेताओं से अपील की। संवर्ग मुजफ्फरपुर प्रमंडल का प्रमंडलीय अधिवेशन है। पूरे डिवीजन के लोग, पूरे मुजफ्फरपुर प्रमंडल में डाक काम करने वाले डाक कर्मचारी आए हैं। उनकी समस्याओं पर यहाँ पे विचार विमर्श होगा। जो डाक सेवाओं में नए नए सेवाएं प्रतिदिन शुरू की जा रही हैं और उसके लिए आधार अपडेशन है, पासपोर्ट सेवा है, तो फिर नया बैंकिंग करना है, शुरू हो रहा है, लेकिन उसके अनुपात में कर्मचारियों की संख्या नहीं है। कर्मचारियों को दबाव में रखा जा रहा है। एक एक CVS और इसको लागू करने से जो परेशानी हुई है उसको लेकर हमारे साथी जूझ रहे हैं। इन तमाम मुद्दों पर चर्चा होगी और आगे जैसा निर्णय होगा उस पर कार्रवाई होगी। साथ ही इस अधिवेशन में अगले 2 साल के लिए फिर से नए कार्यकारिणी का गठन होगा। समदर्शी सेवा संघ की तरफ से सकरी सरिया चौक के पास भंडारा लगाया गया। इस दौरान 51 फीट के कांवर और कांवरियों के ठहराव का इंतजाम किया गया। समदर्शी सेवाश्रम की तरफ से रविवार को सकरी सरैया चौक के पास कांवरियों के लिए भंडारा लगाया गया। इसका उद्घाटन सकरी सरैया के पूर्व मुखिया रामधनी प्रसाद गुप्ता और सुदृष्टि प्रसाद गुप्ता ने दीप प्रज्वलित कर संयुक्त रूप से की। इस अवसर पर श्री ओम परिषद की 51 फीट कांवर और कांवरियों का ठहराव का इंतजाम किया गया। वहीं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जन जागरूकता शिविर भी लगाया गया। इस कैंप का शिविर का लोग हर साल की भांति इस साल भी शिविर का उद्घाटन हुआ है और हम लोग मानव सेवा सबसे बड़ी सेवा है और भंडारा का आयोजन किया गया है और साथ ही बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जन जागरूकता शिविर भी लगाया गया है जो इस सावन के महीने में बेटी को कोई हार न समझे, बेटी को कोई कमजोर न समझे, इसलिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान चलाया जा रहा है और साथ ही भंडारा का आयोजन किया गया है जिसमें जिसका उद्घाटन सकरी सरैया पूर्व मुखिया रामधनी प्रसाद गुप्ता जी एवं सामाजिक कार्यकर्ता सुदेश प्रसाद गुप्ता जी किए हैं। और इस समय से फिर शाही रात हम लोग कांवड़िया का सेवा में 4 सदस्यगण लगे रहेंगे और सेवा करते रहेंगे। हमारे 4 सदस्यगण का आभारी हैं कि बिना डटे बिना थके रुके डटे सेवा में लगे रहते हैं और सेवा करते रहते हैं और इस साल भी हम लोग सेवा में तत्पर हैं और करते रहेंगे तत्पर हैं और करते रहेंगे। धन्यवाद। श्रावण के इस महीने में हर हर महादेव। आज के खबरों का सिलसिला होता है खत्म। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे और मेरी पूरी न्यूज टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।